व्हाट्स अप एवरीवन, रियल एंटरप्रेन्योर चैनल में आपका फिर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 मिस्टेक्स यू कैन मेक टू लिटरली किल योर प्रॉफिट्स ऑन Amazon। अगर आप इन पांचों में से एक भी मिस्टेक बहुत ज्यादा कर रहे हैं ना, ओके, देन आपके प्रॉफिट कमाने के चांसेस, आपके प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। मैं ये नहीं कह रहा आपको नहीं हो सकता, बट चांसेस और से प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लेस अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो। नंबर वन, सेलिंग प्रोडक्ट्स विच हैव लो सेल प्राइस और लो सेलिंग प्राइस। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिनका जो सेलिंग प्राइस है या जो सेल प्राइस है वो बहुत ज्यादा कम है, देन आपके प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? देखो, क्योंकि होता क्या है कि Amazon पे जो प्रॉफिट को बनाने वाली और बिगाड़ने वाली दो चीजें होती है ना, वो होता है Amazon की फीस और शिपिंग फीस। ओके, शिपिंग फीस तो Amazon की फीस के अंदर ही आती है, फिर मैं उसको एक अलग से क्यों बोल रहा हूं, पर रीजन सुनिए। होता क्या है कि अगर आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू, जिसकी सेल प्राइस वैल्यू बहुत डाउन है, लेट्स से आप 285 रुपीस का कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, राइट? तो इसमें लेट्स से ये इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी का प्रोडक्ट है, ओके? इसमें आप क्या कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट की आपकी सेल प्राइस है 285 रुपीस, आपको Amazon को कमीशन इसके ऊपर देनी पड़ेगी 18%, इसके ऊपर टैक्स रहेगा जीएसटी रेट 18% एंड शिपिंग चार्जेस भी रहेंगे इसके ऊपर। तो कोई भी पर्सन जिसका मेंटल लेवल ठीक है, जो दिमागी हालत से ठीक है, वो पता लगा लेगा कि 285 रुपीस में इस प्रोडक्ट को Amazon पे बेचना, नो मैटर व्हाट द क्वालिटी इज, नो मैटर हाउ गुड योर प्रोडक्ट इज, यू वोंट बी एबल टू अर्न एनी प्रॉफिट एट ऑल। दिस इज अ वेरी फंडामेंटल यू नो रूल, और यू कैन से लॉजिक दैट यू कैन अप्लाई टू सी इफ यू विल अर्न एनी प्रॉफिट और नॉट। ठीक है, तो अब यहां पे चीज क्या आती है, लेट्स से कि आपको प्रॉफिट हो गया, ओके, लो कॉस्ट प्रोडक्ट में भी आपको प्रॉफिट हो गया, लेट्स से आपको पर प्रोडक्ट प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपीस, सीम्स गुड, राइट? वेल, नॉट सो गुड। 50 रुपीस का आपको प्रॉफिट हो रहा है पर प्रोडक्ट, ओके, कॉस्ट प्राइस की भी बात नहीं करते हैं, आपको 50 रुपीस का प्रॉफिट हुआ पर प्रोडक्ट में। अब आप देखिए होगा क्या, ये बात मान के चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, उसका रिटर्न आ ही सकता है, आना ही आना है, ओके? तो अब अगर उसका रिटर्न आया, ठीक है, लेट्स से आप FBM के थ्रू सेल कर रहे हैं, इजी शिप के थ्रू, तो अब अगर इसका रिटर्न आया तो अराउंड एज फार एज आई नो आपको वन टाइम जब आपका प्रोडक्ट वापस आएगा तो रिटर्न की आपको डिलीवरी फीस देनी पड़ती है, दैट इज अराउंड लेट्स से 70 रुपीज, ओके, इससे थोड़ी ज्यादा ही है 70 रुपीज। तो देखो हुआ क्या, 50 रुपीज का आपका प्रॉफिट तो उड़ा ही उड़ा, क्योंकि आपको लॉस हुआ एक रिटर्न पे, साथ ही साथ बाकी का 20 रुपीज का भी अभी लॉस रिमेनिंग है। इसको समझ जाओ, दिस इज अ डेडली सिचुएशन। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट कोई भी सेल कर रहे हैं ना, भले ही उसका रिटर्न रेट कम है, लेकिन अगर कोई भी आप इस तरीके के मैकेनिज्म पे सेल कर रहे हैं ना कि एक रिटर्न आपका एक प्रॉफिट पूरी तरीके से वाइप आउट कर जाएगा और उसके बाद भी कुछ लॉस बचेगा, तो प्लीज उस प्रोडक्ट को सेल करना छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ता हूं मैं आपके, आपको लॉस हो जाएगा लॉन्ग टर्म में, आप कोई प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएंगे। इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट टू अर्न प्रॉफिट इन दिस टाइप ऑफ सिनेरियो। सो नंबर वन पॉइंट, ऑलवेज डील इन प्रोडक्ट्स, मैं थोड़ा जनरल लेवल में बताऊंगा, जिनका जो सेलिंग प्राइस है, जो सेल प्राइस है, वो 500 रुपीज से ऊपर हो। जैसे ही 500 रुपीज से ऊपर जाता है प्राइस, आपके प्रॉफिट कमाने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, ओके? नाउ मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो 800 रुपीज से ऊपर हो, ओके? ताकि आपको पर पीस भी जो है कम से कम आपको 200 रुपीज से ऊपर तक का प्रॉफिट होना चाहिए, ओके? इससे क्या होगा, जो डिलीवरी फीस है वो और Amazon की जो फीस है वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर इतना ज्यादा हावी नहीं होगी, क्योंकि लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स में पंगा यही है, Amazon की फीस इतनी ज्यादा है कि वो पूरे के पूरे आपके प्रॉफिट को जकड़ लेती है, खा जाती है। दैट्स द प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हाई सो मेनी पीपल आर सेलिंग एट लॉस। उनको पता ही नहीं है ये बात,
इतना सिंपल फंडामेंटल लॉजिक क्लियर नहीं है लोगों को. सो माय फर्स्ट पॉइंट इज ट्राई टू अवॉइड डीलिंग इन लो सेल प्रोडक्ट, सॉरी लो सेल प्राइस प्रोडक्ट्स. नंबर सेकंड पॉइंट विच कैन लिटरली किल योर प्रॉफिट इज दैट हैविंग टू मेनी एसकेयूज एट जस्ट द स्टार्ट ऑफ लॉन्चिंग योर अमेज़न बिजनेस. इसका क्या मतलब है, लेट्स से आपने अमेज़न का बिजनेस जस्ट अभी स्टार्ट करा है एंड द थिंग इज सम पीपल आर स्टूपिड इनफ टू स्टार्ट विद 100 एंड 200 प्रोडक्ट्स. आई मीन यार, नो ऑफेंस टू यू बट व्हाट द हेल आर यू डूइंग. आपको मार्केट का पता है, आपने क्या रिसर्च किया, आपने क्या देखा कि ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपने क्या देखा कि इस प्रोडक्ट के ऊपर जो कंपटीशन है वो कितना है, आपने जो कॉम्पिटिटर्स उनके रिव्यूज चेक करे नहीं करे, क्यों ले आए ये प्रोडक्ट. भाई गट फीलिंग है, हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको पूरे इंडिया में ऐसी क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी. आई डोंट केयर एट ऑल. व्हेन यू आर यू नो सीइंग योर प्रॉफिट यू हैव टू लुक एट द नंबर्स. ओके, क्वालिटी मैटर्स द लीस्ट व्हेन इट कम्स टू यू नो कैलकुलेटिंग द न्यूमेरिकल प्रॉफिट. यस, क्वालिटी मैटर्स इन द लॉन्ग रन, बट अभी तो ये देखोगे ना कि इस प्रोडक्ट की डिमांड भी है कि नहीं है. तो मेन पॉइंट पे आते हैं, जब भी अमेज़न के बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, ये मेरी रिकमेंडेशन है, बहुत सारे लोग इसे डिफर करेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कम से कम 100 प्रोडक्ट्स तो होने चाहिए, पागल हैं, ठीक है, 100 प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं. आपको अगर शुरुआत करनी है तो स्टार्ट with one or two product. आप कहोगे इसमें क्या प्रॉफिट आएगा. हाँ, नहीं आएगा. आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, जल्दी से गए झट से प्रॉफिट. यस, प्रॉफिट कमाना है ऑब्जेक्टिव लॉन्ग रन में, बट घुसते ही थोड़ा प्रॉफिट कमाने लग जाओगे. यू हैव टू वेट, यू हैव टू एजुकेट योर सेल्फ, यू हैव टू लुक एट द मार्केट, यू हैव टू स्टडी द डिमांड, उसके बाद आप सब कुछ कर पाओगे. तो कहने का मतलब यही है, अगर आप Amazon का बिजनेस जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो स्टार्ट विद वन और टू प्रोडक्ट्स और देखो, हो सकता है आपके प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे बिक जाएं, हो सकता है आपके प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी ना बिके, दोनों ही अच्छा है. क्योंकि अगर बिक जाते हैं प्रॉफिट है, नहीं बिकते हैं तो आप इतनी बड़ी मेजर मिस्टेक करने से बच गए. सोचो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ऐसे 100 प्रोडक्ट्स और ले आते तो बिजनेस शुरू हुआ ही नहीं, डेड इन्वेंट्री आपके पास पहले आ गई. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, घुसने से पहले उन्होंने स्टडी करा नहीं और आज डेड इन्वेंट्री पड़ी हुई है उनके पास, क्लियर करते करते थक जाएंगे वो लोग. ओके, उनके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि अपनी डेड इन्वेंट्री को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं. बट फॉर ऑल यू गाइज हु आर न्यू बायर्स और यू नो जस्ट स्टार्टिंग योर अमेज़न बिजनेस, मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज मैक्स टू मैक्स 3 प्रोडक्ट. अगर आप एप्पल्स वगैरह में डील कर रहे हैं तो आप थोड़े ज्यादा प्रोडक्ट्स की वैरायटी भी ला सकते हैं, बट प्लीज 100 इज टू मच. स्टार्ट विद 10-15, थोड़ा स्टडी करके आराम से जितनी इन्वेस्टमेंट आप लो रखेंगे ना शुरुआत में, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा. इस बात का ध्यान रखिए, मेजर इन्वेस्टमेंट अगर आप शुरुआत में करेंगे ना तो आपके पैसे फंसने वाले हैं, लिखवा लीजिए. Assuming you have no knowledge of selling on Amazon. Okay? So that's the first point. अपने जो SKUs हैं, अपने जो products हैं, वो कम से कम रखिए. अब बहुत सारे लोगों को लगता है यार जितने ज्यादा products होंगे उतना ज्यादा profit. Well, no. आप 2, 3 या 4 products से ही 6-figure income in a month कमा सकते हैं. Believe me or not, you can do that. Okay? मेरे वीडियोस भी आप देख सकते हैं, Amazon प्रोडक्ट रिसर्च, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. उसके ऊपर मैंने आपको समझाया हुआ है कि प्रोडक्ट्स कैसे ढूंढने चाहिए. तो यार सीरियसली, आप अपने बिजनेस को 7-figure इनकम भी आप लाइक 20 प्रोडक्ट से कमा सकते हैं. यू हैव नो नीड टू स्टार्ट विद 100 प्रोडक्ट्स. ओके, शुरुआत में इन्वेस्टमेंट कम से कम लगाओ, एजुकेट अपने आप को ज्यादा से ज्यादा करो. दैट्स द पॉइंट. नंबर 3 मिस्टेक that most of the Amazon sellers make is spending too much money on advertisement. Well, advertisement jo hai Amazon pe, sponsored ads vagera, wo helpful hain,
ओके, वो काफी हेल्पफुल हैं, बट कोशिश करिए जितना आप उनका यूज कम से कम करेंगे ना, उतना ज्यादा आप अच्छे से लर्न होंगे, मैं तो ये कहूंगा। बिकॉज एड्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, यस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगह बिना एड्स के आप सेल अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर ही नहीं सकते, कई जगह इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, कई निशेस इतने कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, बट अब होता क्या है कि लोग प्रोडक्ट तो लॉन्च कर देते हैं, होता क्या है, मेरे पिछले पॉइंट की वजह से मैंने जो बताया था 2 महीने SKUs वाला, प्रोडक्ट्स तो लॉन्च कर देते हैं बट बिकता ही नहीं है। अब नेचुरल इंस्टिंक्ट है, बिक क्यों नहीं रहा, भाई लोगों को पता नहीं, चलो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट लगा दिए, ठोक के पैसे लगा दिए एडवर्टाइजमेंट पे, सेल्स उसके हिसाब से मिले ही नहीं। ओके, इतना एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करने के बाद भी दे गॉट नो सेल्स, क्यों भाई, रिसर्च नहीं करा। एक ऐसी जगह जहां लोग कह रहे हैं भाई हमें नहीं चाहिए, आप करो नहीं, लो ना लो ना लो ना, एडवर्टाइजमेंट क्यों लेगा, कोई नहीं लेगा ना, जहां डिमांड है वहां आपका प्रोडक्ट जाएगा ना। तो एक बात तो पक्की है, अगर डिमांड डाउन है, ओके, इफ द डिमांड इज डाउन, और अगर आपने एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा भी करी ना, तो आपको सेल्स उतनी मिलेंगी ही नहीं। तो दैट्स द थिंग, अगर आपकी सेल्स नहीं हो रही हैं तो कीवर्ड्स को देखिए, अपने इमेजेस को देखिए, डिस्कवरेबिलिटी एंड डिजायरेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, एंड में जब आपके पास कोई चारा ना बचे तब एडवर्टाइजमेंट्स का यूज करिए। दैट्स माय प्लान। पर्सनली बताऊं, मैं एक प्रोडक्ट सेल करता हूं, ऑब्वियसली आई वोंट टेल द नेम, एंड आई गेट अराउंड 30 to 40 ऑर्डर्स पर डे इन FBA। ओके, एंड द थिंग इज मैंने 1 रुपया नहीं खर्च करा है उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए, नॉट इवन अ सिंगल रुपी। इनफैक्ट मुझे अमेजोन पे स्पॉन्सर्ड एड्स की एडवर्टाइजमेंट के बारे में ज्यादा पता ही नहीं है। यस आई एम कमिंग अप विद न्यू प्रोडक्ट्स, उसमें मुझे नीड लगती है कि हाँ है एडवर्टाइजमेंट की नीड, बट टू बी ऑनेस्ट मैं एडवर्टाइजमेंट्स को कम से कम यूज करता हूँ। ओके, अब मैं आपको कुछ जगह बताता हूँ जहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट का यूज करना मस्ट हो जाता है, जरूरी हो जाता है, वो क्या है। नंबर 1, आपका प्रोडक्ट बहुत इनोवेटिव है, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता मार्केट पे, देन एडवर्टाइजमेंट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज देन आप कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स को टारगेट करके वो एडवर्टाइजमेंट टॉप पे ला सकते हैं। ओके, यू कैन बिड फॉर दैट, और उसके हिसाब से ही लोग आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे और आपकी पॉपुलैरिटी प्रोडक्ट की बढ़ेगी। दैट्स वन थिंग। दूसरी जगह पे जहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट का यूज करना मस्ट हो जाता है, वो जगह है जब आप ऐसी जगह पे सेल कर रहे हो जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हो। लेट्स से कि जो फर्स्ट जो पेज पे जो पर्सन आ रहा है उसके अराउंड 500 रिव्यूज हैं, तो ऑब्वियसली टॉप पे आना बहुत मुश्किल है। तो अपने रिव्यूज आप कैसे बढ़ाओगे, अपनी आप सेल्स कैसे बढ़ाओगे, एडवर्टाइजमेंट्स का यूज करके, वहां पे एडवर्टाइजमेंट्स का यूज कर सकते हैं। ओके, इस पॉइंट के लिए इतना ही, बट मैं इस पॉइंट को खत्म करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि कोशिश करिए कि एडवर्टाइजमेंट का यूज कम से कम करिए। दूसरी चीज, एडवर्टाइजमेंट का यूज बहुत स्ट्रैटेजी के साथ करिए, प्रॉपर। जब तक आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है ना, इफ यू डोंट नो व्हाट यू वांट देन एडवर्टाइजमेंट मत करिए। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट द सेट ऑफ ऑडियंस यू आर टारगेटिंग एन एडवर्टाइजमेंट। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, हालांकि मुझे थोड़ा खुद भी सीखना है एडवर्टाइजमेंट के बारे में। मुझे बेसिक स्टफ तो पता है, पीपीसी कैंपेन्स वगैरह के बारे में, बट ज्यादा नहीं पता है। ओके, तो आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट इन द फ्यूचर। सो या एडवर्टाइजमेंट में जो मैंने आपको फाइनल, अगर मैं रैप अप करूँ पूरी कन्वर्सेशन पूरी बात को, अगर मैं रैप अप करूँ एडवर्टाइजमेंट में, अवॉइड एडवर्टाइजमेंट इफ देयर इज नो नीड, एंड इफ यू आर यूजिंग एडवर्टाइजमेंट यूज इट स्ट्रैटेजिकली। Don't invest your money in advertisement blindly. That's the thing. Number 4th point, lack of product research. इसके बारे में मैं क्या बताऊं? ये mistake हर बंदा करता है। Okay? जो भी पर्सन शुरुआत में सेल करता है ना, वो ये मिस्टेक करेगा ही करेगा। वो क्या मिस्टेक है? गट फीलिंग। मैं बताता हूं, और उसके नाम है दिल की आवाज, क्वालिटी टॉप मोस्ट, बहुत लोगों को पसंद आएगी, ऐसी सोच जो लोग रखते हैं ना ऑनलाइन बिजनेस में, उनको प्रॉफिट नहीं होता। ओके, उनको प्रॉफिट नहीं होता।
आपको क्या करना होगा, कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उससे पहले आई विल हाईली 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 रिकमेंड यू टू कंडक्ट अ प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च. उसके अंदर क्या करते हैं, आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, अमेज आउल है, एएमजी ट्रैकर है, जंगल स्काउट है, और पता नहीं कितने तरीके के सॉफ्टवेयर हैं. मैन्युअली आप सेल्स चेक कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं. ओके, इसके ऊपर वीडियोस ऑलरेडी बनी भी हुई हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और मैं आगे बनाऊंगा भी इन डेप्थ, मोर इन डेप्थ वीडियोस ऑन प्रोडक्ट रिसर्च. ओके, अब इसमें यही है, देखो अगर आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च नहीं करी उसको सोर्स करने से पहले अलीबाबा से या कहीं से भी, तो आपके प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस वेरी वेरी लो. ओके, सिंपल सी बात, यू वोंट बी एबल टू अर्न एनी प्रॉफिट, और से द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू अर्निंग एनी प्रॉफिट विदाउट प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च इज नेक्स्ट टू निल. ओके, बहुत मुश्किल है यार, because searching for profitable product is like you know looking for a gold mine. तो अब मैं इस पॉइंट को यहीं पे रैप अप करूंगा. सिंपल सी बात, कोई भी प्रोडक्ट सोर्स करने से पहले फॉरगेट योर दिल की आवाज, प्रोडक्ट के फॉरगेट की हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इससे बड़ा कोई दे ही नहीं सकता, फॉरगेट लोगों को बहुत पसंद आएगी, लुक एट द नंबर्स, लुक एट वॉट पीपल आर परचेजिंग ऑनलाइन, do conduct a proper product research, उसके बाद अपना product source करना, that's it. Number fifth point, जो आपको डुबा देगा, जो आपके profit को ही नहीं, आपको भी डुबा देगा, वो है inability to learn. देखिए online business का जो trend है, बहुत जल्दी change हो रहा है. ऐसे changing environment के साथ, हमें एक ऐसा person चाहिए, जो कि flexible हो. ओके, जो कि इस एनवायरनमेंट के साथ खुद को भी चेंज करते जा सके, अपने अपने जो बिजनेस है उसको भी चेंज करता जा सके, आपको ऐसा पर्सन चाहिए. तो यहां पे अपने जो लर्निंग विंडो है उसको हमेशा ओपन रखिए. मैं बता नहीं सकता आपको Amazon पे सीखने के लिए इतनी चीजें हैं, इतने टूल्स हैं, इतने सॉफ्टवेयर्स हैं, इतनी टिप्स हैं, इतनी ट्रिक्स हैं, जिसकी कोई हद नहीं है. इट्स अ वास्ट ओशन ऑफ नॉलेज आउट देयर waiting to be discovered, waiting to be explored. ये चीज़ है. But problem क्या आती है? What is the thing which holds you back from gaining this information? वो ये है कि अगर मैं short word में बताऊँ, तो जब भी आप ऐसी situation में होते हैं कि आप कोई action नहीं ले पाते, या आपकी आपके पास कुछ करने के लिए होता नहीं है, then negative thoughts come in. Negative thoughts क्या कहूँ उनको? ऐसे थॉट्स जो कंस्ट्रक्टिव नहीं होते. ओके, बिजनेस में हम कंस्ट्रक्टिव और नॉन कंस्ट्रक्टिव थॉट्स की बात करते हैं. तो नॉन कंस्ट्रक्टिव थॉट्स क्या है कि Amazon चोर है, ठीक है, मैंने माना. ओके, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ. अनडिलीवरेबल पैकेट्स में Amazon की पॉलिसी बहुत खराब है, और बहुत जगह Amazon की पॉलिसी बहुत खराब है. आई एडमिट बहुत सारी जगह वो अपनी कमीशन जो है उसको बहुत अनफेयर मीन से अर्न करते हैं. Let me tell you a secret, okay? Say this on camera. Let me say this on internet. Amazon खुद जान पूछ के fake orders generate करता है, okay? Many people I think know that. और इस fake orders से जब ये return आते हैं, तो ये जो return के जो delivery charges हैं, उस seller से लेता है. That's a very bad move, okay? Although I have no evidence on this, but I really really believe this is true. मैंने बहुत सारे बाकी channels पे भी देखा है. This is true as of now. But the thing is यार कि मैं आपको इस बेकार की fight से, बेकार की politics से बाहर निकालना चाहता हूँ. आप एक बात बताओ, आप जब आए थे आपका purpose क्या था? समाज सेवक हो क्या? Amazon को change करने आए हो? नहीं ना. Profit कमाने आए हो ना? हाँ तो कमाओ. बहुत potential है, बहुत potential है profit कमाने का. वो आप कैसे कर सकते हो मैं बताता हूं. सबसे पहले तो इस ब्लेमिंग माइंडसेट से बाहर आ जाओ. हाँ, Amazon गड़बड़ करता है. ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी. हर बिजनेस पे अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं. यहां पे प्रॉब्लम Amazon ही है. लेट्स से गड़बड़ करता है, तो अब आपको क्या करना है कि बजाय आप इसको ब्लेम करो, इस पे अलग अलग चीजें सीखो.
इसमें अलग अलग चीजों को समझो और अपना अपने काम से मतलब रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। वो अपना बिजनेस देखेंगे, आप अपना देखो, दूसरे के बिजनेस में टांग मत अड़ाओ, वो उनका बिजनेस है, उनको करने दो। अगर वो ढंग से नहीं करेंगे वही गिरेंगे, ओके वही गिरेंगे अगर वो ढंग से नहीं करेंगे। आप समाज सेवक नहीं हो, आपको अपना प्रॉफिट अर्न करना है, ध्यान रखिए इस बात का। यस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसके बारे में इन्फॉर्म ही मत करो, या करो इन्फॉर्म, उनको बताओ दिस पॉलिसी इज रॉन्ग, दिस पॉलिसी इज बुलशिट, चेंज इट, उनको बोलो, बट डोंट एक्सपेक्ट दैट दे विल चेंज इट। सिंपल सी बात है ना यार, अब वो हर एक बंदे की बात नहीं सुनेंगे। कोई प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे पहुंचती है ना, उसको तभी सुना जाता है। ये बात आप समझ लो, ठीक है? तो अब करना क्या है, आपको इस रैट रेस से बाहर निकलना है और देखना है कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या सीख सकते हो अभी इस मोमेंट पे। मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि मैं ग्रो करूं, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि मैं और ज्यादा सीखूं, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि अपनी सेल्स बढ़ाऊं। मैं बता नहीं सकता, आपके पास इतनी चीजें हैं सीखने के लिए जिसकी कोई हद नहीं। और यही जो डिफरेंस है, जब आप इस ब्लेमिंग माइंडसेट से बाहर आओगे ना और खुद के ऊपर काम करोगे, देन यू विल बिकम अ रियल बिजनेसमैन, देन यू विल बिकम अ रियल एंटरप्रेन्योर। दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बात और, मैं अराउंड में 2 वीक्स से कोई वीडियो मैंने नहीं डाली थी, उसका रीजन ये था यार कि मैं बहुत आलसी हो गया था, मुझे वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। बट बनानी तो इंपॉर्टेंट है ना यार, तो अब से मैं कोशिश करूंगा कि जो वीडियो है वो थोड़े रेगुलर इंटरवल्स पे आए, ठीक है? बिकॉज आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम माई वीडियोज, थैंक यू सो मच टू यू गाइज। एंड या अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड कॉमेंट करिए। मैंने बाय द वे मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ई मेल आई डी दे रहा हूँ, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप प्रॉपर सब्जेक्ट के साथ अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको आप मुझे सेंड कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए, और उसके ऊपर मैं श्योरली आपको कोई ना कोई सोल्यूशन बताऊंगा। ईमेल नहीं करना है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, मैं कमेंट्स का भी आंसर देता रहता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।